हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस डी ऑटो इन्फो में। और मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के आया हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोज एक्सी का माइलेज टेस्ट इन द इको मोड एंड व्हेन द एसी इज नॉट ऑन। दोस्तों ऐसा एक आध बार मैंने अपने गाड़ी में ये चीज खुद से ही महसूस करी है कि अब तक का टाटा अल्ट्रोज एक्सी का इको मोड में सबसे बेस्ट माइलेज जो है वो 19.2 KMPL का था। बट अभी देखता हूँ कि आज फिर से वही माइलेज रिपीट होता है या नहीं होता है या क्या रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों ये है टाटा अल्ट्रोज एक्सी का इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें हम अभी सामने जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं वो डिस्टेंस टू एम्पिटी 142 किलोमीटर है। और 678 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है जो 19.2 KMPL का माइलेज दिखा रहा है। और अगर मैं ट्रिप बी को वापस से रीसेट करूंगा आज और इस माइलेज टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रिप बी को रीसेट कर देते हैं। ट्रिप बी को रीसेट कर देते हैं और ये आपका ट्रिप बी रीसेट हो गया है। अब इसी में मैं आपको रास्ते में, एक्चुअली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो मैं आपको रास्ते में अगर कहीं रेड लाइट मिलती है और जहां पे हमें रुकना होगा तो फिर हम वहां पर आपको बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे कि ये जो है कितना जो है इसका माइलेज इस समय है या इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो उतनी डिस्टेंस में इसका क्या माइलेज है ये मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने ये पूछा हुआ था कि सर आप ये बताइए कि गाड़ी जो है किस तरीके से जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या गाड़ी में वाइब्रेशन होते हैं या जब गाड़ी चलती है तो क्या वाइब्रेशन होते हैं। तो आज मैं आपको ये ऑलमोस्ट आपको गियर नॉब दिख रहा होगा, मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूं कि किस लेवल का वाइब्रेशन होता है। ये था वाइब्रेशन और ये थी आवाज, ये थी साउंड। अब आप इसे देख लीजिए अगर आपको ये वाइब्रेट होता दिखे, मेरे हिसाब से तो नहीं वाइब्रेट करता है। जब स्टार्ट होती है तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है। और उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या पैडल्स वाइब्रेट करते हैं, तो पैडल्स भी आपके सामने हैं, कोई वाइब्रेशन नहीं है मेरे हिसाब से, नथिंग, कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। और जब बस स्टार्ट होता है तो हल्का सा वाइब्रेशन होता है। MID दिखा सकता हूँ, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले ये माइलेज 22.6 KMPL का था और ये मेरी गाड़ी का सबसे हाईएस्ट माइलेज है जो मैंने कभी भी अपनी गाड़ी की MID स्क्रीन में देखा है, 22.6 KMPL का। कमाल कर दिया टाटा अल्ट्रोज ने। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मुझे कम ट्रैफिक मिला और जो भी लाइट्स मिली वो मोस्टली ग्रीन मिली। तो दोस्तों इस पॉइंट पे मैं अपने टाटा अल्ट्रोज के माइलेज से बहुत खुश हूँ। मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तब तो मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 19 KMPL के आसपास आ जाए, लेकिन ये आज मेरी MID स्क्रीन जो है वो 22.6 KMPL तक गई और फाइनली जब मैंने अपनी जर्नी एंड करी तो ये 21.3 KMPL तक पहुँच गया। दोस्तों मुझे लगता है कि इस माइलेज टेस्ट को देखने के बाद आप सभी लोगों के, जो लोग टाटा अल्ट्रोज के माइलेज को लेकर के डाउट कर रहे थे, उन सभी का माइलेज वाला डाउट पूरा हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि टाटा अल्ट्रोज एक अच्छी माइलेज कार है। दोस्तों टाटा अल्ट्रोज के माइलेज टेस्ट के लेकर के मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, जिसमें मैंने हाईवे पर माइलेज टेस्ट किया हुआ है, मैंने जो है सिटी मोड में AC चला के माइलेज टेस्ट किया हुआ है और ये जो है एक इको मोड में विदाउट AC भी माइलेज टेस्ट किया हुआ है। तो मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखिए, अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी नई टाटा अल्ट्रोज खरीदने का प्लान कर रहे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ढेर सारा मोटिवेशन देता है और मैं इसी तरीके से आगे भी और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से वीडियोस टाटा अल्ट्रोज और बाकी और कार से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।